हेलो दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं थर्ड ग्रेड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक, थर्ड ग्रेड की, जो गौरव सिंघाने राव सर की बुक आई है चवन प्रकाशन की, वन लाइनर फॉर्म में। तो इसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अगस्त 2022 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य है, और ये गौरव ज्ञानधारा सर के जो यूट्यूब चैनल पे वो अपने वीडियोस कराते हैं उसके अकॉर्डिंग है। वन लाइनर फॉर्म में ये पूरी बुक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी बुक है। इसमें राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य और RTI है। दोस्तों ध्यान रखें, इसमें ICT नहीं है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, बस इसमें एक ICT को छोड़ के ऑलमोस्ट आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो सभी हैं L1 और L2 के। और इसमें अपने NCERT की जो मटेरियल्स को भी कवर किया गया है। चवन प्रकाशन इसका प्रकाशन करता है इस बुक का। तो देख सकते हैं, हमारे गौरव सिंघाने राव सर हैं, इनका गौरव ज्ञानधारा नाम से चैनल है जिस पर ये अपने निःशुल्क क्लासेस कराते हैं। तो उन्हीं क्लासेस को बेस बनाकर जो उनमें मटेरियल कराया जाता है उसी को एज ए नोट्स की फॉर्म में इस बुक में डाला गया है, और वन लाइनर अप्रोच में डाला गया है। दोस्तों थर्ड ग्रेड के लिए किसी भी टीचर ने जो अभी तक गाइड्स निकाली हैं, बुक्स निकाली हैं, वन लाइन फॉर्म में किसी ने नहीं निकाली है, तो आप इसको देख सकते हैं। इससे आपका जो है डायरेक्ट आप फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसी है। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह की ये बुक है। इसमें ये अपने थर्ड ग्रेड का, ये गौरव सिंघाने राव सर की है, MA है ये इतिहास से, नेट क्वालिफाइड हैं, BEd कर रखी है। तो देखते हैं ये दोस्तों, इसका प्रिंट प्राइस 430 है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको मार्केट में कितने की पड़ेगी और ऑनलाइन कितने की पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये इसके इंडेक्स है, इसमें अपने राजस्थान का भूगोल है, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं अपने थर्ड ग्रेड में आने वाले सारे टॉपिक्स हैं। अब आप इसमें सर ने बताया जैसे कि इसमें अफवाह तंत्र झीलें हैं, तो अपने सिलेबस में जो है L2 है उसमें बावड़ियाँ छतरियाँ वगैरह भी है, तो वो भी इसमें सम्मिलित है, इसको इंडेक्स में नहीं बताया गया है। इसमें अपना हिस्ट्री और कल्चर हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो अलग से जोड़ा गया है, उसके ये सारे टॉपिक इसमें ऐड है। सारी अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं इसमें आ जाएंगी, प्लस में अपनी फ्लैगशिप योजनाएं भी आ जाएंगी इसमें सारी। और ये अपना शैक्षिक परिदृश्य और RTE एक्ट, इसके सारे टॉपिक्स, इवन आपको जो निशुल्क प्रवेश वाला टॉपिक जुड़ा है ये भी इसमें है। नवाचार है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ फालतू का मटेरियल नहीं डाला है, जो सारी काम की चीज़ें वो इसमें इंक्लूड की गई है। तो देखते हैं कैसी है बुक। और दोस्तों इसको मैं पढ़ने के बाद ही इसका वीडियो बना रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इसके ऑथेंटिक रूप में मान सकते हैं, इसके रियलिटी पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं किसी बुक को रिव्यू जब भी करता हूँ जब मैं उसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा, जिससे उसके रियलिटी एक्चुअल में पता चल सके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वन लाइनर अप्रोच में है, जैसे कोई भी आपका पॉइंट है उसके आगे उसका आंसर है डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन एंड आंसर। तो वैसे ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ याद करने में प्रॉब्लम होती है, उस तरह से भी नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट्स के रूप में, पॉइंट्स के फॉर्म में एक पॉइंट और उसके आगे उसका आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें सभी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स की आपको इसमें ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो आपको अगर ट्रिक्स के फॉर्म में इसको याद करना हो तो आप ट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट अगर याद करना है सुटेबल तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन को डायरेक्ट याद नहीं हो पाती, तो उनको अपन को ट्रिक्स के फॉर्म में याद करना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट बुक है दोस्तों, आपको अलग से ट्रिक्स बनाने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी ट्रिक्स बना के दे रखी हैं, वो भी वन लाइनर अप्रोच में, जहाँ पे आपको टेबल्स की नीड है आपको टेबल्स की फॉर्म में दे रखी हैं चीज़ें। इसमें 300+ ट्रिक्स हैं जैसा कि सर ने बताया है, और इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी पेजों पर कोई ना कोई ट्रिक जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जैसा कि इसके हर पेज पर ट्रिक्स दे रखी है, ऑलमोस्ट हर पेज पर ट्रिक्स हैं। और आपको यहाँ पे इसमें जहाँ पे मैप्स की नीड है मैप्स भी दे रखे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा फालतू का मटेरियल नहीं है दोस्तों। जितना आपको, आप ये मान के चलिए 90% आपका ये क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करेगी ये बुक। अभी तक के जितने भी गाइड्स मैंने मार्केट में देखी उन सभी से बेस्ट गाइड लगी है वन लाइनर अप्रोच में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्योंकि गाइड्स में एक, लेकिन आपको दोस्तों अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक साबित होगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ये फैक्ट्स में आप अगर आप याद करते हैं डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको पहली बार में अगर आप
इसी बुक को पढ़ें तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि डायरेक्ट आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो फैक्ट्स एक बार में डायरेक्ट ही आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप वैसे इसको फर्स्ट टाइम भी, जितना अभी दोस्तों अभी जितना वैसे थर्ड ग्रेड के लिए जितना टाइम बच रहा है, जैसे कि 3.5 मंथ्स ऑलमोस्ट बच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इस बुक को पढ़ने में फ़ायदा है। आप आराम से 2 या 3 बार इस बुक को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई सा भी बुक नहीं पढ़ी है तो इसको आप देख सकते हैं, और अगर आपने अपने नोट्स या कोई बुक पढ़ रखी है तो भी इसको आप रिविज़न के लिए देख सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट्स आपको इसमें सीधे सीधे वन लाइनर से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए आपके जैसे इसमें सारे मेले महोत्सव एक ही पेज में एज अ मैप की फॉर्म में दिखा रखे हैं। ये नगर और स्थल, चित्रकला, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से ये बुक, अब जैसे ये है, ये आपका परिवहन का टॉपिक है, तो इसमें जैसे ये किस तरह से दे रखी है इसमें चीज़ें, जैसे अभी कितना सड़क घनत्व है, तो अब आपको और बुक्स में मिलेगा कि कि इस हमारे राजस्थान में इस तरह से इसका इतना घनत्व होता है, पूरी थियोरिटिकल फॉर्म में मिले। इसमें डायरेक्ट एज ए नोट्स की फॉर्म में है राजस्थान का राज्य का सड़क घनत्व, आंसर पीएम ग्राम सड़क योजना कब लागू हुई, डायरेक्ट। तो इसको आपको, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी थी तो इसको आप डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं, और रिविज़न के लिए सबसे बेस्ट होगी। रिविज़न के टाइम को आपको ज़्यादा थ्योरी में से आपको पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी बुक है, मैं आपको इसको प्रेफर करना चाहूँगा। देख सकते हैं आप किस तरह से इसमें इसमें आपकी सारी योजनाएं भी मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपकी यहाँ पे सारी योजनाएं वन लाइनर अप्रोच में नहीं है, आपको इनके लिए थोड़ा सा पॉइंट्स के फॉर्म में दे रखी हैं चीज़ें, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो, और थोड़ा हर योजना की थ्योरी भी दे रखी है कि उसका कौन सा विभाग है और किस तरह से वो लागू की गई है, कब लागू की गई है, और किस तरह से वो लोगों के लिए यूज़फुल है। ये देख सकते हैं आप, हर जितना इनफ मटेरियल चाहिए चाहिए तो वो आपके लिए इनफ मटेरियल है हर चीज़ के लिए इसमें आपके लिए। और जैसे ये देखिए, सबसे जैसे स्माइल स्माइल प्रोग्राम है, तो इसमें अपने स्माइल के 3 चरण होते हैं, स्माइल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसके लिए आपको जैसे इन तीनों की डेट्स याद करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सीधे ट्रिक्स दे रखी है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट तीनों स्माइल की, स्माइल प्रोग्राम की आप डेट याद कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, ये देखिए, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। इसमें दोस्तों सार गर्भित मटेरियल है, कोई फालतू का एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, और इसको वैसे तो देखा जाए तो ये 472 पेजेस की बुक है, देखने में आपको हो सकता है थोड़ी बड़ी लग सकती है, बट इसमें चीज़ों को खुला खुला दे रखा है। आप इसमें अपनी तरफ से चाहें तो कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ चीज़ें याद आती है, जैसे आपको यहाँ पे कोई चीज़ जैसे ये पढ़ी कि यूनेस्को द्वारा किस शहर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जैसे जयपुर। अब यहाँ पे आपको जयपुर से चीज़ रिलेटेड कोई और चीज़ याद आती है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इनफ स्पेस है। तो ये स्पेस आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा गया है, जिससे आप चीज़ों को ऐड कर सकें। दोस्तों मैं आपको ये प्रेफर करना चाहूँगा बुक, ये बहुत बेस्ट बुक है थर्ड ग्रेड के लिए आज के टाइम में, जितना अभी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात कि आप इसको 1 से 2 या 3 बार आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं, अगर आपने कोई थ्योरी की बुक या नोट्स भी पढ़ रखे हैं तो भी आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, 472 इसमें पेजेस की संख्या है और 430 का प्रिंट प्राइस है, तो ये मेरे को अलवर में मार्केट में शॉप से 390 की प्राप्त हुई है। ऑनलाइन में ये हो सकता है आपको 430 या उसके आसपास ही मिले, तो मार्केट से लेना आपको ये ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि मार्केट से ये ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बुक प्रेफर करना चाहूँगा, थर्ड ग्रेड के लिए अभी तक के लिए बेस्ट बुक है, वन लाइनर अप्रोच में है। इस अप्रोच में अभी तक मार्केट में थर्ड ग्रेड के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसका कंटेंट इंडेक्स और मटेरियल को आप सैम्पल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।